शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ, रोहन की तबीयत खराब ही हो जा रही है। शिवांश को मदद करने दीजिए, अभी ये सब समय नहीं है सोचने का। शिवांश, आप आइए, उठाइए रोहन को। ठीक है शिपू बेटा, आ जाओ। ठीक है। आराम से रोहन। आराम से बेटा, संभल के जाना। हाँ, और अस्पताल पहुंच के हमें फोन कर देना, ठीक है? आप परेशान मत होइए, हम आपको फोन करते हैं। आप तो भी यही रुकिए, हम आते हैं। ठीक है रोहन, संभल के, आराम से। आराम से रोहन, संभल के। अरे, हम चाबी लेके आते हैं। चाबी हमारी। बैठो अंदर। शिवांश रुकिए, गाड़ी का तो टायर पंचर है, अब क्या करेंगे? क्या? एक काम करते हैं, ऑटो में चलते हैं। लेकिन शिवांश, इस समय तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, तो क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम स्टेप नहीं लगा देते। हाँ। इतना टाइम नहीं है, बहुत देर लग जाएगी, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल पहुंचना है, अब क्या करेंगे? अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम रोहन को बाइक पे लेके जाते हैं, आप यहीं पे रुकिए। आओ, चलो 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 चलो। रुको। क्या हुआ शमनी? आप ऐसे रोहन को लेकर अकेले नहीं जाएंगे, आप लोग ने रास्ते में वापस कुछ झगड़ा? नहीं नहीं नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। शमनी, आप भी हद करती हैं। अभी अभी अंदर हमने सबको मिठाई खिलाई है कि अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, और आप है कि हम पे शक कर रही है। इसकी हालत देखिए आप, दर्द में बेहाल हो रहा है, हम तो बस मदद कर रहे थे। अच्छा बताइए, हम ऐसा क्या करें कि आपको हम पर भरोसा हो जाए? बोलिए, किसकी कसम खाए? हमारी कसम, हमारी कसम, हमारी कसम। आपकी कसम? हाँ शिवांश, हमारी कसम। मतलब आप अभी भी हम पर भरोसा करती हैं कि हम आपकी झूठी कसम नहीं खाएंगे? ठीक है। हम आपकी कसम खाते हैं। अब तो आपको हम पर भरोसा हो गया। ठीक है शिवान, अब रोहन को जल्दी लेकर जाइए। लेकिन आप रोहन को कौन सा हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जाए? हाँ, सिटी हॉस्पिटल, वही सबसे नजदीक है। जल्दी चलो, आराम से, चलो चलो जल्दी। आराम से। घबराने की कोई बात नहीं है, कोर इन्फेक्शन का केस लग रहा है, हमने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं। डॉक्टर साहब, अब दर्द तो नहीं होगा इनको? नहीं, पेन किलर का इंजेक्शन दिया है रिलीफ के लिए, इसीलिए सो रहे हैं। आराम आ जाएगा तो आप घर ले जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपको बताना भूल गए, इन्होंने ना अपनी एक किडनी दान में दी थी,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई हो? तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमको अभी याद आया। फिर तो हमें प्रॉपर स्कैन करना होगा। जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई बड़ी तकलीफ हो जाए। मैं देखता हूँ। नर्स, इनके एब्डोमिन का स्कैन करना पड़ेगा, तैयारी करो। आप यहीं पर वेट करिए, मैं आता हूँ। जी। श्रावणी, क्या जवाब देंगे? हेलो हेलो शिवांश, हमें रोहन की बहुत चिंता हो रही थी इसलिए हम सिटी हॉस्पिटल आ गए। आप कहाँ हैं? हेलो हेलो शिवांश, हेलो 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 शिवांश, हेलो 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 शिवानी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रही हैं? हेलो हेलो शिवांश, फोन कैसे बंद हो गया? चेयर इधर रखो, हाँ नर्स इधर आओ। देखो गहरी नींद में है, लगे ना, इनको स्कैनिंग रूम में ले चले चलो। डॉक्टर साहब, ये स्कैन करने में कितना टाइम लगेगा? यही कोई आधा पौना घंटा। अच्छा ठीक है, जो भी कीजिए थोड़ा जल्दी कीजिए, वो क्या है ना, हमें बहुत चिंता हो रही है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, जैसे स्कैनिंग की रिपोर्ट आएगी हम इन्हें वापस ले आएंगे। जी हमको माफ करना शरावनी, हमको आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन रोहन ने किडनी दी है या नहीं दी है ये जानने का इससे अच्छा तरीका और हमारे पास नहीं था। हमको माफ करना। कमाल है, सारे इमरजेंसी वार्ड छान मारा लेकिन ये लोग दिखे ही नहीं कहीं पे। हम शिवांश का फोन, हेलो शिवांश कहाँ है आप? कितनी देर से हम आपको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोन ही बंद आ रहा है। हम यहाँ सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हैं। हाँ वो यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए नहीं मिल रहा होगा फोन। आप लोग कहाँ हैं? हम संजीवनी हॉस्पिटल में। संजीवनी हॉस्पिटल? लेकिन आप तो रोहन को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए थे ना? हाँ पहले हम रोहन को सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन फिर हमारे दोस्त ने बताया कि वहाँ का इमरजेंसी वार्ड है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे ले आए। और हम इतनी जल्दबाजी में थे कि आपको बता नहीं पाए। अच्छा ठीक है, रोहन कैसा है, डॉक्टर ने क्या कहा, वो कुछ बताया डॉक्टर ने? रोहन अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसको फूड इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। ठीक है शिवांश, हम यहाँ सिटी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, संजीवनी हॉस्पिटल आने में हमें एक डेढ़ घंटा जाएगा, आप वहीं इंतजार कीजिएगा हमारा। ठीक है। डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया, ठीक है ना, इनकी जो एक किडनी है वो ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं? आपने अच्छा किया जो हमें पहले बता दिया कि इनके पास एक ही किडनी है। का मतलब उस चिट्ठी में जो लिखा था वो सही है? डॉक्टर साहब इनकी किडनी तो ठीक है ना, फूड इन्फेक्शन से कुछ हुआ तो नहीं इसको? हाँ हाँ किडनी बिल्कुल ठीक है, हमने सही से चेक कर लिया है, उन्हें बस फूड पॉइजनिंग ही हुई है। हमने पेशेंट को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है, एक डेढ़ घंटे बाद उन्हें आराम मिल जाएगा, आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं। थोड़ी देर में उनकी पत्नी आएगी, वही ले जाएंगे। ओह आई सी। आपने अच्छा किया जो हमें पहले बता दिया कि इनके पास एक ही किडनी है।
भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि जिंदगी भर आप जितनी नफरत करना चाहे उतनी नफरत करें। तो चलिए शिवान से अब इसी नफरत के लिए ऑपरेशन करवा लीजिए। शिवांश, रोहन कैसा है? कैसी उसकी तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है, एक दो घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप घर ले जाना उसे। थैंक यू। शिवान, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों है? कोई बात है? नहीं शिवान, जो सॉरी, हमने आप पर भरोसा नहीं किया, करना चाहिए था। सॉरी शिवान। शिवांश, जरूर कुछ तो बात है। शिवांश इतने गुमसुम नहीं रहते। हम आपको तलाक दे रहे हैं। गलत नजर से देख रहे हैं। बस इतना याद रखें कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आप हमसे प्यार करती थी, अब नहीं, क्योंकि अब तो आपका वो दोस्त वापस आ गया ना, वो विदेशी। रोहन, आज बाहर उल्टी पड़ रही है। क्या कर रहे हो आप शिवान? शिवान जी, हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है, इसलिए आप हमारी जिंदगी से ना दूर चले जाइए। दूर। हमें यकीन है कि शरवीन ने हमारा बच्चा अबॉर्ट नहीं कराया होगा। ये क्या किया हमने? उसे जिंदगी बर्बाद कर दी हमारे लिए, और हमने क्या किया उसके साथ? हमें किडनी दिलवाने के लिए उसने रोहन से शादी कर ली। चिल्ला चिल्ला कर कहती रही वो हमसे, चीख चीख कर कहती रही, शिवान सुनो, शिवान सुनो, कि हमने बच्चा नहीं गिरवाया। लेकिन शिवान नहीं सुना, शिवांश नहीं सुना, नहीं करा हमने भरोसा उसका। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा शिवांश सिंह? अब चलो अपने इसी गुस्से की आग में जिंदगी भर। इसी लायक हो तुम, इसी लायक। इतने गिरे हुए इंसान हो तुम कि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। कहती रही हमसे, और हमने उसके सामने दूसरी शादी कर ली। क्या बीती होगी उस पर? हमको बचाने के लिए उसने किसी और से शादी कर ली। एक हम है कि हमने अपने गुस्से में शादी कर ली। हमको माफ कर दो श्रवणी। नहीं, इस बार हमको माफ मत करना श्रवणी। इस बार हम सजा के हकदार हैं। हाँ, इस बार हमें माफी नहीं चाहिए। आज क्या किया तुम? आज वो तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी।
आराम से। रोहन अब बेटर फील हो रहा है? हाँ, डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसका काफी असर हुआ है। अब डॉक्टर ने मेडिसिन लेने भी कहा था, तुम अभी लोगे या थोड़ा रेस्ट करने के बाद? टाइम तो हो गया, ले लेते हैं। ठीक है, हम पानी लेकर आते हैं। अरे स्वीटी, तुम जग रही हो अभी तक? तुम लोग का इंतजार कर रहे थे। रोहन अब कैसे हो? पहले से बेहतर है। स्वीटी तुम जाओ, जाके आराम करो। लेकिन शिवांश कहाँ है? शिवांश नहीं लौटा तुम लोगों के साथ? शिवांश वो घर नहीं आए, वो तो हमसे पहले निकल गए थे हॉस्पिटल से। पहले निकल गया था लेकिन वो तो अभी तक आया नहीं। शिवांश अभी तक घर नहीं आए? घर नहीं आए तो कहाँ गए? हम फोन करते हैं। बेटी उठा नहीं रहा है, फिर से करते हैं। फोन काट दिया। दीदी हमको टेंशन हो रही है, उसे कुछ कहा था क्या? कहा जा रहा है? नहीं शिवांश ने तो कुछ भी नहीं कहा। रुको हम मिलाते। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ चले गए वो प्रिनावत? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शिवांश रोहन के साथ गया था ना उसकी मदद करने, फिर वापस क्यों नहीं लेकर आया उसको साथ में? तुम लोगों की जिम्मेदारी थी, जरूर कोई कहा सुनी हो गई होगी कि वो वापस लौट कर नहीं आए। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही। वो तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो क्या हुआ, इतने परेशान क्यों है? शिवांश बहुत गुमसुम से थे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। हमने पूछा भी उनसे लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने और चले गए। हमें लगा घर आ गए होंगे। स्वीटी तुम एक काम करो, उसके सारे दोस्तों को फोन करो। हमारे पास कहाँ है उसके दोस्तों का नंबर? कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं है हमारे पास, हम करते हैं। शमनी, शिवांश कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा, उसके बारे में सोचना बंद करो, चलो। रोहन उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा तभी तुम्हें भागकर हॉस्पिटल लेकर गए। शवनी हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ घर में उसकी फिक्र करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम अभी भी अस्पताल से आए हैं दर्द में। और रही बात उसके दोस्तों को फोन करने की, तो सीटी है ना उसकी पत्नी, हम अपनी पत्नी से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। रोहन हम बस दो। हद करती हो श्रवणी, कितनी बार सब लोगों ने तुमसे कहा है कि अपने पति पर ध्यान दो, स्वीटी के पति पर नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता, बाजी नहीं आती तुम। शिपू आ जाएगा, हमारे पास उसके सभी दोस्तों के नंबर हैं, हम बात कर लेंगे। तुम जाओ, रोहन का ध्यान रखो, जाओ। स्वीटी हम शिब्बू के सभी दोस्तों का नंबर लिख के तुम्हें दे देते हैं, तुम फोन कर लो। ठीक है। हे देवी माँ, हमारा दिल कह रहा है जरूर कोई बात है। पहली बार शिवांश इतने चुप थे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, पता नहीं कहाँ है वो। माता रानी उनका ध्यान रखिएगा।
राम राम बाबू साहेब, कुछ पैसा दे देते तो बहुत अच्छा होता बाबू साहेब। चाहिए तो अपने आप को हम कोड़ा मार के दिखाते हैं आपको। ये देखिए बाबू साहेब, ये देखिए, ये इतना सारा पैसा रख लो। राम राम भाऊ साहेब। रुको, एक चाबुक हमें दो। चाबुक भाऊ साहेब, एक चाबुक का आप क्या करेंगे? दो। जी भाऊ साहेब। जाओ, जब तक हम ना रुके तुम भी मत रुकना। जी बात है। तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। रात बहुत हो चुकी है रोहन, सो जाओ। तुम बहुत ज्यादा नाराज हो क्या? बनता भी है, हम समझते हैं। शमी वो क्या ना, एक तो हमारी तबीयत खराब थी और ऊपर से ये दवाइयां, हमारा मूड भी कुछ समझ ही नहीं आया और गुस्से में न जाने क्या क्या भूल गए। शमी हम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज माफ कर दो। क्या वो अजीब लगा जब शिवांश के सामने तुमने हमारा हाथ पकड़ा था, तब हमने तो ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। अब हम तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं तो तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से उठना चलेगा। रोहन, शिवांश के सामने हमने जो किया वो नाटक था, लेकिन इस वक्त कोई नाटक नहीं चल रहा है। और एक बात, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। शिवांश को किडनी देने का तुम्हारा खुद का फैसला था, और उस किडनी की कीमत यानी शादी की शर्त वो भी तुमने रखी थी। और ये भी मानते हैं कि तुम नहीं होते रोहन तो शिवांश को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता, और उसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद भी हैं, लेकिन खुद कर्ज नहीं। अभी हमारी पूरी शादी टूटी है, एक पूरा रिश्ता टूट गया। कोई खिलौना नहीं टूटा है जो दूसरे से मन बहला ले। एक रिश्ता हमारा भी है शमी। क्या रिश्ता है हमारा बताओ? तुमने कहा था रोहन कि एक दोस्त बनकर साथ निभाओगे हमारा, लेकिन तुम रोहन दोस्त से अचानक पति कैसे बन गए? प्लीज रोहन, तो हमसे वो करने मत बोलो जो हमारे बस में ही नहीं है। तुम कहो तो हम खुद को मारें। शमी, नहीं नहीं, ऐसे खुद को मारने की बातें मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारा कुछ भी कहना तुम्हें फोर्स करना है तो एक बार फिर से सॉरी, हमारा मतलब वो नहीं था। और शमी हम समझते हैं, इट्स ओके, टेक योर टाइम।
कोई जल्दी नहीं। सही कहा तुमने, रात बात हो गई सो जाते हैं। गुड नाइट। पता नहीं शिवांश कहाँ होगा। हे देवी माँ, उसे सकुशल घर पहुंचा दीजिए। ये लो, ये शिब्बू के सभी दोस्तों के नंबर है, तुम फोन करके पता कर लो। ठीक है। हेलो हेलो, आपके पास शिवांश है क्या? अच्छा ठीक है। मम्मी मम्मी, सारे दोस्तों को फोन लगा लिया, कहीं पे भी नहीं है शिवांश। उनको पता भी नहीं है कहाँ है शिवांश। अरे उसको लगाना, वो जो पूंछ की तरह चिपका रहता है, कहाँ नाम है उसका? कौन, मजनू? हाँ मजनू से तो बात हो गई थी, मजनू ढूंढने गया है। हाँ तो फिर आ जाएगा ना उसके साथ। मम्मी टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गया। तुम इधर आओ। टेंशन तुमको हो रही है, और जिसको टेंशन होनी चाहिए वो अम्मा जी और उसकी माँ जाकर सो गई है, और तुम बोराए जा रही हो। मम्मी सच में बहुत टेंशन हो रही है ना। अरे स्वीटी, कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठ गया होगा, फोन आजू बाजू पड़ा होगा। अरे टेंशन की बात तो तब थी जब श्रवणी घर से बाहर होती, अंदर रोहन के साथ सोई हुई है, तुम यहाँ पे पगलाई हुई हो। सूर्य वो बहुत तेज नींद आ रही है। चलो तुम जल्दी आओ, आ जाएगा शिवांश। पता नहीं शिवांश कहाँ रह गया। आज हर दर्द हर जख्म का हिसाब होगा, और श्रवणी को हमारी वजह से मिले। बचाओ। हम आपको तलाक दे रहे हैं। आप गलत नजर से देख रहे हैं, बस इतना याद रखें कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आप हमसे प्यार करती थी, अब नहीं, क्योंकि अब तो आपका दोस्त वापस आ गया ना, और विदेशी रोहन। पंछी रेर अंधेरा भोर की पलकों तले सवेरा, भोर की पलकों तले सवेरा, बसेरा छोड़ के जाना है, नहीं फिर वापस आना है, क्या तेरा ठोर ठिकाना है, चला चल चलते जाना है। कोई सामान नहीं है जिसे खरीद के रख लिया है आपने। बीवी है आपकी, शादी की हमने। शादी किए थे, अब नहीं। शगुन लाए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। शिवांश, शिवांश कहाँ होंगे? अरे बदल गई आप, मन बदल गया आपका, इसलिए आपने हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की। कोई बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की हमने, कितनी बार समझाया आपको, बार बार बोल चुके, लेकिन आप है कि आपको सुन नहीं दिए कुछ। टूट जाएगी कच्ची डोरी, टूट जाएगी कच्ची डोरी, बुलावा एक दिन आना है, छोड़ के सब कुछ जाना है, क्या तेरा ठोर ठिकाना है, चला जल चल दे जाना है। बलिचिन पंछी, माफ कर दो हमको, हमको माफ कर दो श्रवणी। बलिचिन पंछी रेर अंधेरा, कहाँ चले गए आप शिवांश?
हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है हमें। भगवान कहाँ होंगे वो? भैया, शिवांश भैया, भैया ये सब कहाँ हो रहा है? भैया आप पगला गए होगा, कैसी हालत कर ली अपनी, कौन ही कौन सब जगह, अरे अपने आप को चोट क्यों दे रहे हो भैया? नजरू चाबुक छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे भैया, आप छोड़िए। नजरू हमने कहा चाबुक छोड़ो। नहीं 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 छोड़ेंगे भैया, अरे अब तो हुआ क्या, हमको ये तो बताइए कम से कम। नजरू छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे भैया। रुक जाइए भैया, आपके सामने हाथ जोड़ते भैया, मत मारिए खुद को। कैसे रोके भैया को? भाभी समझा सकती है अब तो, भाभी की बात ही मानेंगे भैया। मेरा फोन मिलाते भाभी को। अशु भैया का फोन इस समय? अशु भैया? हाँ अशु भैया बोलिए, इतनी रात को? भाभी गजब हो गया भाभी, भैया तो हमारी एक भी नहीं सुन रहे, अपने आप को कोड़े से मारे जा रहे, कोड़े से। हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, आप जल्दी आइए भाभी जी। हम अभी आ रहे, हम अभी आ रहे। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिवांश कहाँ है? शिवांश नहीं लौटा तुम लोगों के साथ? गजब हो गया भाभी, भैया तो हमारी एक भी नहीं सुन रहे, अपने आप को कोड़े से मारे जा रहे, कोड़े से। शमनी, रोहन, हेलो। हेलो शमनी, कहाँ हो तुम? हमें शिवांश का पता चल चुका है, हम उसके पास ही जा रहे हैं, वो बहुत मुश्किल में है, हम जा रहे हैं। हम घर लौट के आपसे बाद में बात करेंगे, हम बाय। शमनी, भैया जी रुक जाइए, भैया जी, भैया मत मारिए अपने आप को, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। जाओ यहां से, बीच में आना मत। भैया रुक जाइए। भाभी भाभी देखिए ना भैया को, शिवांश शिवांश, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ है आपको? ये सब क्या है? शिवनी आप क्या कर रही हैं यहाँ? जाइए यहाँ से। शिवान संभल कर, शिवान हमको छोड़ना मत। शिवांश शिवांश, आपने शराब पी रखी है, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? और आपने शराब क्यों पी है? बोलिए शिवांश। हाँ
हमने पी है शराब, लेकिन आपको क्या क्या फर्क पड़ता है कि हम जिए या मरे? आप चाहिए, चाहिए आप अपनी दुनिया में। बताइए आप, जब तक हमारे हाथ ना रुके तफली रुकनी नहीं चाहिए। शिवांश हो क्या गया आपको? शिवांश कोई बात है, किसी ने कुछ कहा आप हमसे गई है, शायद शायद हम सुलझा सके। शिवांश ने आपको क्यों जख्म दे रहे, किस चीज के लिए, किस बात के लिए, क्या हुआ है शिवांश, बोलिए ना। हम आपकी किडनी के लिए रोहन से शादी क्यों करेंगे? अब हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं रोहन के साथ, तो आप जलिए मत। इनकी जो एक किडनी है वो ठीक तो है ना? आपने अच्छा किया जो हमें पहले बता दिया कि इनके पास एक ही किडनी है। किस बात की सजा दे रहे आप अपने आप, किस बात की, बोलिए। ये मजबूरियां ही तो है जो बेवफा बना देती है। जी तो बहुत चाहता है कि सच बोले, लेकिन क्या करे, हौसला नहीं होता। छोड़िए, शिवान चलिए घर चलिए। छूना मत हमें। शिवांश, शिवांश, शिवांश। भाभी, भैया नशे में हैं, घर की ओर ही जा रहे हैं, आइए उनके पीछे चलते। चलिए भाभी। शिवांश, तक जा कर सोए नहीं? जब हमारी पत्नी तुम्हारी तलाश में आधी रात को यूं भटकेगी तो नींद कैसे आएगी? बताओ, तुम ही जवाब दो। हालत देखो अपनी, सबको परेशान कर रखा है। नहीं, हमने किसी को नहीं बोला कोई हमारे लिए परेशान हो। हम नहीं चाहते कोई हमारे लिए परेशान हो। आप नहीं चाहते कोई परेशान हो? हालत देखो अपनी, लड़खड़ा रहे हो, सीधा खड़े नहीं हो पा रहे, बिना सहारे के आ नहीं सकते घर। जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी का मोल क्या है? तुम्हारी इस किडनी के लिए कितने लोगों ने कितने जतन किए? किडनी तुमने ठीक कहा, हमें कुछ दिखता ही नहीं है। कि हमारे लिए लोगों ने इतना कुछ किया है, हमें कुछ नहीं दिखता है। कितने एहसान फरामोश हैं हम, लेकिन तुम बहुत सही हो। तुम जो भी करते हो ना, बहुत बहुत सही करते हो, बहुत अच्छा करते हो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे, अच्छे नहीं महान हो, तुम बहुत महान हो तुम रोहन।
बहुत महान हो तुम। शिवांश, शिवांश, शिवांश। और तुम जानते हो तुमसे भी ज्यादा महान कौन है? तुमसे भी ज्यादा महान ये है, ये हमारी बी माफ करना, तुम्हारी बीवी बहुत महान है। अरे आप तो महानता की मूर्त है शिवांश। आप दोनों महान इंसान के आगे हम जैसे आम इंसान तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हम जैसे लोग। शिवांश अभी तुम नशे में हो इसलिए कुछ भी बक रहे हो, सुबह होश में बात करेंगे। ठीक कहा तुमने, हम नशे में बोल रहे हैं हम, लेकिन आप बहुत महान है, आप लोग बहुत महान है। शिवांश के पीछे बहुत जगह आराम से, ये क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लगी? बताओ ना दीदी, इतनी चोट कैसे लगी शिवांश को? देखिए आप सब प्लीज प्लीज शिवांश को आराम करने दीजिए। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है उसे, बता क्यों नहीं रही हो? और ऐसा तो नहीं हो सकता श्रवणी कि तुम्हें ना पता। बोलो कैसे लगी इतनी चोट? हाथ जोड़ते हम सब के आगे, शिवांश को चोट लगी, उसे आराम करने दीजिए, उसे अभी मरहम पट्टी की जरूरत है। हम आप सबके जवाब दे देंगे, अभी शिवांश को आराम करने दीजिए प्लीज। स्वीटी तुम शिवांश को कमरे में लेकर जाओ, हम दवा लेकर आते हैं। हम लेके जाते हैं शिवांश, चलो शिवांश हमारे साथ चलो। मशरू भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सही वक्त पर बता दिया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं भाभी, कुछ भी होगा तो हम बताएंगे आपको, अभी हमें हमें शिवांश को दवा लगानी है, हम चलते। चलो ये चैन से नहीं जीने देगी, इर्द गिर्द मंडराती रहती है शिवांश के, अपना घर तो तोड़ेगी साथ में हमारी बेटी का भी। लगता नहीं ये स्वीटी का घर बसने देगी। बहुत थोड़ी सी हल्दी है, हल्दी मोहन, थैंक यू। हम जानते कि तुम्हारे मन में भी 100 सवाल चल रहे हैं, हम ऐसे अकेले शिवांश को ढूंढने क्यों निकल पड़े आधी रात को। लेकिन रोहन, श्रवणी तुम हमें भी उठा सकती थी, आधी रात को अकेले जाने की क्या जरूरत थी? रोहन सच मानो हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते, इतनी इज्जत करते कि जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कल शिवांश घर नहीं आए तो हम मन मार कर लेट भी गए थे, हमें घबराहट हो रही थी, हमारा जी घबरा रहा था, और फिर अचानक से हमारी नींद खुल गई। हमारी नींद खुली ना रोहन, हमारी नींद खुली तो मशरू भैया का फोन आया रोहन,
मजनू भैया ने कहा कि शिवांश शिवांश मुश्किल में है। सच मानो तो ऐसा लगा किसी ने हमारे दिल पर हथौड़ा मार दिया। हम बिना कुछ सोचे समझे बस निकल पड़े। बस एक वहम हुआ और तुमने आव देखा ना ताव और आधी रात कोर्ट करियो चली गई। शवनी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शवनी तुम माँ बनने वाली हो। कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोच लिया होता। For God's sake, you're a science student. वहम? नहीं रोहन, ये कोई वहम नहीं था। तुमने देखा नहीं शिवांश की क्या हालत थी? हमने जो महसूस किया वो गलत नहीं था। और हर बात साइंस के लॉजिक के समझ में नहीं आती है। और खास करके वो जो तड़प हम शिवांश के लिए महसूस करते हैं। कुछ है जो हर एहसास से ऊपर है। कितनी भी कोशिश कर ले। कोशिश? ये है तुम्हारी कोशिश? लग नहीं रहा है। हालत देखो अपनी शमी, तुम कैसे इंसान के लिए आधी रात को ये लेप बना रही हो जबकि उसका पूरा परिवार बाहर है। उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी पत्नी और लेप तुम बना रही हो। वो लोग डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं। हम बनने वाले हैं रोहन। वो लोग मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे। हम दोनों डॉक्टर बनने वाले हैं और ये हमारा फर्ज है। वसुधा जी अम्मा, उसे क्या हुआ शिवू को? हमें कुछ पता नहीं क्या हो गया है शिवांश को। कितने जख्म थे। नहीं मम्मी, इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हम लेप बना कर लाए शिवांश को लगाने के लिए, उन्हें बेहतर लगेगा। सो रहा है वो, सोने दो। सुबह तक नशा उतर जाएगा फिर लगाना ये लेप वेप। लेकिन ताई जी, अगर हमने अभी उनको लेप नहीं लगाया तो उनका जख्म पक सकता है और दर्द भी बढ़ जाएगा उनको। दिख नहीं रहा है कितनी मुश्किल से सोया है? अब ये लेप रहने दो, जाओ तुम यहाँ से। स्वीटी, हम डॉक्टर बनने वाले, तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी। समझो हमारी बात को, ये लेप लगाना जरूरी है वरना इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। रुको, ऐसी बात है तो ठीक है, लाओ शिवांश को लेप हम लगा देते हैं। और दीदी एक बात कहें, बुरा मत मानना, जब तक तुम्हारी परछाई शिवांश पर पड़ेगी ना तब तक शिवांश ठीक नहीं हो सकता। तो बेहतर ये होगा कि तुम यहां से चली जाओ। क्या हुआ, खड़ी खड़ी मुंह क्यों देख रही? जाओ यहां से, हमने कहा ना। Ugh!
देखिए ना, ऐसे लग रहा है कि किसी ने बहुत मारा है हमें। हमको ना देखिए बहुत चक्कर आ रहे हैं। हमसे कब पूछ रहे हो, हम साथ थोड़े थे। लेप लगा चुपचाप। हाँ लगा तो रहे ना। मम्मी हमको तो चक्कर आ रहा है, थोड़ी देर बाद लगा दे क्या? स्वीटी तुम, स्वीटी हम लगा दे, हम डॉक्टर बनने वाले, हमें पता है कैसे लगा रहे। लगाने दे स्वीटी, डॉक्टर भाव से ही लगा रही हो ना। ठीक है लगाओ। देखो मम्मी, अब कैसे आराम से लेप लगाने दे रहा है, अब इसे दर्द नहीं हो रहा है। और जब हम लगा रहे थे तब आ ओ ऐसे कर रहा था। तुम भी तो आ कर रही थी। गुस्सा अगर किसी बात का था भी तो हम पर उतारते, जैसे हर बार उतारते। खुद को सजा क्यों दी? तुमने क्या कर डाला श्रवणी, क्यों किया ये, क्यों किया श्रवणी, ऐसा क्यों किया? चलो निकलो, जाओ रूम से निकलो। शिवांश की देखभाल हम कर लेंगे। तड़प नहीं रहा है वो तुम्हारे लिए, कोस रहा है तुम्हें नींद में। लगा लिया ना लेप, अब जाओ स्वीटी देख लेके आगे। बाकी हम देख लेंगे। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? जाओ। मम्मी हमसे तो लगाया नहीं जा रहा है। ठीक से लगाओ, कहे कि फिर बुलाए क्या श्रवणी को लगाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम लगा रहे, हम लगा रहे। अम्मा जी चाय पी लीजिए, हमारा मन नहीं है। पहले शिमू का हाल पता चल जाए फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। थोड़ी सी चाय पी लीजिए, आपने बहुत देर से कुछ खाया पिया नहीं है। नहीं वसुधा, नहीं चाहिए, मना किया ना। श्रवणी दुल्हन, श्रवणी शिबू ने कुछ बताया? नहीं माँ, वो भी सो रहे।
इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी, कोई बात नहीं हो पाई। बहुत मुश्किल से हल्दी का लेप लगाए हम। आखिर शिबू ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कुछ तो पता होगा। अम्मा, हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्हें लगा कि घर का बाकी हिस्सा भी वो छुड़ा पाएंगे, लेकिन पहले कदम पर ही इतना बड़ा धोखा, पैसों का इतना नुकसान हो गया। और नुकसान हुआ का? पैसे तो हमने लौटा दिए थे। शिवांश चाहे तो उन पैसों से दोबारा बिजनेस शुरू कर सकता है। लौटा तो दिया था तुमने रोहन, लेकिन बिजनेस में झटका तो मिला ही है ना, धोखा तो हुआ है ना। ऐसे में अच्छे से अच्छे इंसान का हौसला टूट जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उम्मीद रोहन, तुम भी जानते हो, हम डॉक्टर्स के लिए भी उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। बड़ी से बड़ी बीमारी में मरीज सिर्फ हौसले और उम्मीद के बल पर मौत से लड़ जाता है। शिवांश का आत्मविश्वास डगमगा के और उसे सही होने में अभी। अच्छा, तो ये सब जो तुम कर रही हो, ये शिवांश का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर रही हो? चलो तुम तो माहिर हो, फिर कोई बहाना निकाल लेना हमारे दामाद के कमरे में जाने का। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बड़की ठकुरायन, ये डॉक्टर बनने वाली है, जो भी ये कर रही है शिबू के भले के लिए कर रही है। अगर शिबू को शराब की लत लग गई तो नायक की दुल्हन की गृहस्थी भी बर्बाद हो जाएगी। आगे तुम समझदार हो। अम्मा जी सही कह रही हैं। श्रवणी बेटा, एक बार पहले ही शराब के चक्कर में शिबू की किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, किसी तरह से उसे शराब की लत लगने से बचा लो श्रवणी, उसे बचा लो। ये क्यों बचाएगी? हाँ, ये क्यों बचाएगी? हम मर गए क्या? वैसे भी आज वैलेंटाइन्स डे है, 14 फरवरी। आज हम शिवांश को लेके बाहर घूमने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसका मन बहलाएंगे, एकदम ठीक कर देंगे हम शिवांश को, उसको भी अच्छा लगेगा। आज वैलेंटाइन्स डे जो है। क्या वैलेंटाइनिया? ये क्या होता है? अरे अम्मा जी, वैलेंटाइनिया नहीं, वैलेंटाइन डे। वही जो भी है, ये सब अंग्रेजी त्योहार क्या करेंगे हम सिक्के? और तुम भी ये सब छोड़ दो, समझी? अरे आज बसंत पंचमी है, हमारे जमाने में तो हम बसंती रंग पहन के त्योहार मनाते थे। तुम्हारे दादा ससुर हमारे लिए बसंती रंग की धोती लाते थे हर साल नियम से, वही पहन के हम सरस्वती की पूजा करते थे। आज हम सब लोग वही मनाएंगे। लेकिन अम्मा जी। स्वीटी, बड़ों की बात मानते हैं, और बसंत पंचमी की पूजा तो सुबह होगी ना, तुम शाम को चली जाना दामाद जी के साथ घूमने के लिए, तुम्हारा भी मन रह जाएगा। क्यों अम्मा जी? जो करना है वो करो, मगर शाम को करो। अभी सुबह तो सरस्वती की पूजा ही होगी, ताकि देवी मैया की कृपा से घर में सब शुभ हो जाए। हाँ माँ, अब तो बस देवी माँ पे भरोसा है, शिवांश को हिम्मत अब वही देंगे। हम पूरी श्रद्धा से वसंत पंचमी की ये पूजा करेंगे, ताकि शिवांश जल्दी से ठीक हो जाए। हे देवी मैया, आपके हर रूप की जय हो। जय देवी मैया की। जय देवी मैया की। देखो
तुम दोनों बसंत पंचमी की तैयारी करो और हो सके तो बसंती या पीले रंग के कपड़े पहनना। नई फसल से मीठे चावल बना के भोग भी लगाना है। नए की दुल्हन तुम और शिब्बू मिलकर ये पूजा करना और दुल्हन तुम रोहन के साथ। चलो चलो सब अब बसंत पंचमी की पूजा की तैयारी करो। चलो चल। आपने अच्छा किया जो हमें पहले बता दिया कि इनके पास एक ही किडनी है। क्या हुआ? अब खुद पर कोड़े बरसाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या फिर से श्रवणी के जाल में फंसने का इरादा है तुम्हारा, जहां पे तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है? नहीं शिवांश, तुमने वो चिट्ठी पढ़ी थी ना, तुमने देखा था कि श्रवणी ने शादी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए की है रोहन से। हाँ। वो महज एक कागज का टुकड़ा है, उसमें कितना सच है कितना झूठ क्या पता। श्रवणी रोहन के पास जाना चाहती थी, चली गई। शिवांश, श्रवणी सिर्फ तुमसे प्यार करती है और तुमने स्वीटी से शादी कर ली, तुमने उसे धोखा दिया है। हाँ, तुमने स्वीटी से शादी कर ली है और अब जो हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है। और अगर ये बात सच भी है तो अब कुछ बदल नहीं सकता। बदल सकता है? तुम एक बार जाके उससे माफी तो मांगो। हाँ, तुम कोशिश तो करो, उसने तुम्हारी जान बचाई है। उसने तुम्हारा बच्चा गिराने की कोशिश भी की थी, क्या पता उसने ऐसा ना किया हो। अरे उसने कहा तो था, तुमने उसकी एक भी बात कहां सुनी? कोई बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की हमने, कितनी बार समझाए आपको। तो ठीक है, जाओ मांगो माफी नाक रगड़ते हुए, लेकिन एक बार फिर तैयार रहना धोखा खाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा और श्रवणी का कोई मेल नहीं है। उसका मेल रोहन के साथ है। आंखें खोलो और देखो शिवांश, तुम्हारे साथ तो वो पढ़ भी नहीं सकती और ना कभी खुश रह सकती है। तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। नहीं शिवांश, तुम इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हारा अहंकार है और हम तुम्हारा दिल है। हम जानते हैं कि श्रवणी सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती है। दिल की बातों से सिर्फ जख्म मिलते हैं, धोखा मिलता है, अपमान मिलता है और अहंकार से कभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता। शिवांश, हम जो कह रहे हैं तुम वो सुनो, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। नहीं शिवान, इसकी बात मत सुनना, हम जो कह रहे हैं वही सही है। शिवान, ये गलत बोल रहा है, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात मत सुनो, बस बस चुप, बिल्कुल चुप, चुप। ये बच्चा आपका ही है शिवान, बड़े जतन से पालेंगे इसे, इस बच्चे पर पूरा अधिकार होगा आपका। हमारा फोन कहाँ है? शिवांश भैया। हाँ भैया जी, कैसे हो? अरे तबीयत कैसी है आपकी? मजनू, हमारी बात सुनो, तुम ठेके पे जाओ और जल्दी से हमारे लिए शराब की बोतल लेकर आओ। अरे पगला गए हो क्या भैया, कैसी बातें कर रहे हो, अपनी हालत तो देखो। और वैसे भी आज तो वसंत पंचमी की पूजा है, आज के दिन तो कम से कम रहने दो भैया। अच्छा, इसका मतलब बाकियों की तरह हम तुमसे भी किसी बात की उम्मीद नहीं कर सकते? सही कह रहे हो मजनू, हम जो कह रहे हैं वो करो चुपचाप। भैया जी, श्रवणी भाभी ने मना किया था ना, और आप भूल गए का भाभी कल रात को आपको किस हालत में लेके आई थी घर? मैं आपको क्यों जख्म दे रहे, किस चीज के लिए, किस बात के लिए? हाँ,
हाँ हम जानते हैं, जानते हैं हम अच्छी तरह मजनू, और तो बहुत अच्छी है बेचारी, हमारे लिए तो वो जान भी दे सकती है, लेकिन हम इस लायक है नहीं, हम किसी लायक नहीं है।